नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हैं, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि आपके साथ में छत्र छाया बनकर खड़े हुए हैं ये एक देवता। जी हाँ दोस्तों, और आपको बड़े संकेत मिल रहे हैं, बहुत ही अचंभव घटनाएँ आपके जीवन में होने वाली हैं। आपके जीवन का जो धलमाल है वो हटने वाला है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र विद्या कर आपको काबू में कर रहा है ये एक व्यक्ति। दोस्तों आप जिन पर विश्वास करते हैं वही देवता हैं दोस्तों ये, जो आपको इन सब चीज़ों से बचाने वाले हैं और दोस्तों आप पर हमेशा कृपा बरसाए रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप इन सब चीज़ों से अनजान हैं, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि जब आपके भाग्य उदय होने वाला है। और दोस्तों ये देवता आपको आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में दोस्तों जो बड़े चमत्कार करने वाले हैं वे दोस्तों आपको चौंका देकर साबित रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन दिनों के अंदर आपको कुछ ऐसे संकेतों को भी जानने की आवश्यकता होने वाली है, जिन्हें दोस्तों पहचानने से दोस्तों आप इन्हें प्रसन्न कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य से आपको दूर हट जाना है जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया कर आपको बर्बाद करने की हमेशा सोचते रहते हैं। दोस्तों आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि ईश्वर आपके साथ है, ज़्यादा डरना नहीं है आपको। दोस्तों मैं आपसे बस निवेदन करती हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों आपको सभी जानकारियां इसी वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली हैं, इससे दोस्तों आप अपने आप और अपने पूरे परिवार को बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन काल में आपको दुश्मन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जीवन में आप तरक्की कीजिए। दोस्तों दुश्मन आपके अपने आप ही पैदा हो जाएंगे और दोस्तों दुश्मन आपके बढ़ेंगे ही। इस ख्याल को सोच करके कि आप अपनी तरक्की को नहीं सोच सकते, परंतु दोस्तों उनके खिलाफ और उनके द्वारा किए गए दोस्तों किए के चालों को आप किस तरह से रोक सकते हैं, हम दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिख दें, ताकि दोस्तों माँ काली आपकी रक्षा हमेशा करती रहें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कई बार लोग इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि दोस्तों किसी को भी पराजित करने के लिए, यूँ कहें तो दोस्तों उसे हराने के लिए, उसे उसके जीवन काल से नीचे गिराने के लिए दोस्तों किसी भी हद तक चले जाते हैं और तंत्र मंत्र तक का सहारा भी ले लेते हैं। दोस्तों वह इसमें भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको किसी भी हाल में आपको दोस्तों नीचे गिराना है, यूँ कहें तो आपको बर्बाद करना है। लेकिन दोस्तों माता काली और जो हनुमान जी के सच्चे भक्त होते हैं, शनिदेव जी के भक्त होते हैं, तो दोस्तों उनका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाता है। इस वीडियो में दोस्तों लक्षण, उपाय, बचाव और सावधानियां सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों हम विस्तार में आपको बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं खास सावधानियाँ क्या है जो अगले 2 दिनों में आपको रखनी चाहिए। एकदम से दोस्तों आपको बड़ा लाभ प्राप्त करना अभी के समय में संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों संयम के साथ में किए गए प्रयत्नों में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। परिवार के लोगों की भावनात्मक ज़रूरतों को समझने की आवश्यकता है। परिवार में से किसी व्यक्ति को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। काम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने की वजह से तनाव रह सकता है। पार्टनर को खुश करने की कोशिश आपकी जारी रहने वाली है। शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें और दोस्तों घर में प्यार और समझदारी देखने को मिल सकती है। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। व्यवहार से संबंधित लोगों को ईमानदारी के साथ में कार्य करने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के काम से छुटकारा मिल सकता है और दोस्तों काम से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पा सकते हैं। जोखिम से कार्य टाल दीजिए। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। किसी सम्मान्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। धन लाभ के नए रास्ते नजर आने वाले हैं। छोटे मोटे प्रलोभन से खुद को दूर रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों किसी प्रॉपर्टी को लेकर घर में आपको गर्व महसूस होगा। काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई चीज़ें आपकी पूरी होने लगेंगी। आज स्वयं के लिए आपको कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। आपसे विश्वास के सहारे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आ सकती है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन काफ़ी शुभ है। आप भी इनकी इनकम अच्छी रहेगी। जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में आपको अनुचित कार्यों में ध्यान नहीं देना है और दोस्तों आपको अपनी
बात रखने का मौका मिल सकता है। परिवार का कोई सदस्य आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। उन्नति के नए मार्ग भी और विकल्पों की तलाश करना जरूरी है। प्रॉपर्टी डीलर के लिए समय अधिक फायदेमंद है। जरूरत से ज़्यादा खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। सावधानियों के बारे में बात करते हैं। अकारण कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जिसका प्रभाव घर परिवार पर भी पड़ सकता है। कभी कभार सभी को खुश रखने के प्रयास में आप अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच में बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध विवाह में बदलने के योग बन रहे हैं। ग्रह की स्थिति के कारण आपके रिश्ते में कल कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन दोस्तों आज ये समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी। आप शांत रहेंगे और समस्या को सुलझाने में आप सक्षम हो सकते हैं। और दोस्तों हालांकि कल ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था, ये एक दूसरे के प्रति आपको अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीकृत करने का समय है। आज आप अपने साथी के साथ में घूमने जाना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और आप अकेले में कुछ रोमांटिक पल व्यतीत कर सकते हैं। आपको अपने शौक जैसे संगीत, नृत्य या फिर कला को नज़रअंदाज ना करें, पैसा कमाएं। पर इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि पैसा हमें ना कमाएं। पैसा कमाएं प्रेम फैलाने के लिए। आज के दिन आपके लिए सबसे शुभ रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपके दरवाजे पर कई सारे बढ़िया मौके आपके लिए दस्तक दे रहे हैं। सरकारी सवारत व्यक्ति किसी गैर कानून में रुचि ना ले, कोई इंक्वायरी आदि भी हो सकती है। और इसके साथ ही इस समय अगर आपके करियर के लिए बात करें तो दोस्तों आपको बता दें व्यवसाय के नज़रिए से समय धनदायक रहने वाला है। अपने काम पर जो है आपको पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित रखना है। आपको महत्वपूर्ण अनुबंध इस समय प्राप्त होने वाले हैं। नज़दीकी मित्रों के सहयोग से आप जो है अपने अधिकतर काम को पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। पहले इनकम मिलने से युवा वर्ग का और अधिक आत्मविश्वास इस समय बढ़ने वाला है और अपने ध्यान को भी आप काम के प्रति केंद्रित इस समय कर पाएंगे। इसके साथ अगर आपके व्यवसाय और आपके करियर के लिए जो समय होगा, दोस्तों आप सभी को बता दें कि व्यवसाय में इस समय मुनाफादायक स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए दोस्तों इधर उधर की बातों में ना उलझकर आपको अपने कार्य पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों सहयोगी और कर्मचारियों के साथ में बेहतरीन समय साबित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति को इस समय अचानक कोई शुभ समाचार मिलने की प्राप्ति हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको बता दें आपकी लव लाइफ के लिए अगर बात करें तो दोस्तों इस समय व्यक्तिगत समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम बनाने की आवश्यकता है। प्रेम संबंध मर्यादित रखना आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। लव लाइफ के लिए बता दें, आपके प्रेम जीवन के लिए समय बता दें तो आपको पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहने वाला है, परंतु व्यवस्था की वजह से आप अपने परिवार को अधिक समय इस समय नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद संबंधित खरीद प्रयुक्त करने की प्लानिंग है तो आपको पेपर वगैरह अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। परंतु ये भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं उसी से आज मनमुटाव होने की आशंका बन रही है। व्यस्ततम दिनचर्या रहने वाली है। और दोस्तों उच्च अधिकारियों तथा राजनीति के लोगों से तालमेल बिठाकर आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहने वाले हैं। कोई व्यावसायिक लेन देन लोन लेना पड़ सकता है। और दोस्तों ऑफिस में चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आकर आप अपने कार्यों पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। संकट मोचन आपके सभी कष्ट तकलीफें दूर करेंगे।